यानी इनके शरीर में लाइट है ना जी, जी थोड़ा पास से लाइए, इनको दिखाइए, देखिए इनके शरीर में लाइट आ गया है, इनके शरीर में लाइट आ रहा है ना। और अब देखिए आप भी टच करिए इनको, इनका हाथ पकड़िए, अपना हाथ उठाइए ऊपर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक से बचना कैसे है, करंट कब मारता है, बिजली कब मारता है, उसके बारे में जानकारी देंगे, और करंट किस अवस्था में मारता है उसको हम लोग चेक करेंगे। तो इसमें आप जो है कि देख सकते हैं कि आपकी ये पावर सप्लाई आपके बल्ब में आ रहा है। अब इसमें क्या है कि कोई एक सप्लाई फेज है, दूसरा न्यूट्रल है, उसको चेक करने के लिए मैंने पेन टेस्टर लिया हुआ है। पेन टेस्टर से एक सप्लाई को चेक करेंगे तो नहीं जलेगा, यानी वो पॉइंट आपका न्यूट्रल होगा, जो पॉइंट जलेगा वो पॉइंट आपका फेज होगा। आप देख सकते हैं ये आपका पॉइंट जल रहा है, यानी आपका फेज है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं फेज और न्यूट्रल का, यानी जो नहीं जला वो क्या होगा, न्यूट्रल। कभी काल न्यूट्रल हल्का जलता है और जो फेज होगा आपका जलेगा, ये आपका क्या होगा, फेज होगा। यानी आपका ये न्यूट्रल आपका फेज दोनों मिला तो आपका बल्ब क्या किया, काम करना चालू कर दिया, यानी आपका बल्ब काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनको इन पर्सन को मैं टच करके देखूंगा कि क्या इनको करंट लग रहा है या करंट किस अवस्था में लगता है, ये हम लोग चेक करने वाले हैं। क्या करंट लगता है तो या इनकी जान जा सकती है, इनको भी हम लोग चेक करेंगे कि क्या इनकी जान चली जाएगी, ठीक है कि नहीं जाएगी, करंट किस अवस्था में लगेगी, इसको हम लोग चेक करेंगे। पहली बात तो ये जान लीजिए, अगर आप किसी भी तार को चेक कर रहे हैं, किसी भी सप्लाई को आप चेक कर रहे हैं, उस दौरान अगर सिंगल सप्लाई को टच करेंगे तो क्या करंट लगेगा। आप देखिए इन्होंने क्या किया, सिंगल सप्लाई को टच किए ना जी, इनको करंट लग रहा है, टच किए रहे, इनको करंट लग रहा है जी, नहीं लग रहा है। यानी बहुत सालों कह सकते हैं सर इसमें न्यूट्रल है, तो आप इसको चेक कर लीजिए टच करके, इसमें क्या है, न्यूट्रल या फेज कोई एक होगा तो भी इनको करंट नहीं लगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर पोल का तार है, पोल का सप्लाई है, उसने फेस और न्यूट्रल दोनों सप्लाई दिया जाता है, और दोनों सप्लाई को जब हम लोग टच करेंगे अगर करंट लगा तो इसके बीच में हम लोग समझेंगे कि कहीं ना कहीं से अर्थिंग हमको मिला है जिसके वजह से करंट लगा है। यानी अगर एक सप्लाई को टच करेंगे करंट नहीं लगेगा, किसी दूसरे सप्लाई को टच करेंगे करंट नहीं लगेगा, जबकि दोनों सप्लाई इसके अंदर आ रहा है। अगर हम लोग क्या करेंगे, दोनों सप्लाई को टच करेंगे, उस दौरान आपके शरीर में करंट लग सकता है। इसको चेक करने के लिए हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले ये आप पकड़िए ये, अब देखिए इनके पास में ये सप्लाई है ना, इसको आप कन्फर्म कर लीजिए, हाथ उठाइए दूसरा वाला, देखिए जल रहा है, यानी इनके शरीर में लाइट है ना जी, थोड़ा पास से लाइए, इनको दिखाइए, देखिए इनके शरीर में लाइट आ गया है, इनके शरीर में लाइट आ रहा है ना। और अब देखिए आप भी टच करिए इनको, इनका हाथ पकड़िए, अपना हाथ उठाइए ऊपर, देखिए इनके शरीर में लाइट आ गया जी, चलिए आप भी पकड़िए, इनके शरीर को पकड़िए, हाथ को, कपड़े को नहीं, हाथ को पकड़िए, चलिए अपना हाथ उठाइए, लोहे को मत टच करिएगा, देखिए इनके शरीर में करंट आ गया ना जी, चलिए पकड़िए, मजबूत पकड़िए, मजबूत मजबूत पकड़िए, चलिए यहाँ तक की चेक कर लीजिए। इस तरीके से आप लोग भी पकड़ लीजिए, इधर इधर आप घुमा लीजिए अपने हाथ को, इधर दीजिए, करंट लगेगा इसको तुरंत, बढ़िया टाइट से पकड़िए, टाइट पकड़ी। तो अब हम लोग क्या, यहाँ पे इनको हमने सप्लाई दिया है और इनके शरीर से हम लोग जो है कि यहाँ पर साइकिल बनाए हुए हैं, और एक साइकिल पूरी फुल होने के बाद यहाँ पर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, आप चेक कर सकते हैं, ये सप्लाई आ रहा है, थोड़ा पास से दिखाइए, यानी इनके शरीर में भी बिजली आ रही है, लेकिन ये बिजली कब लगेगी इसको हमको समझना है, कि यानी आपके शरीर में करंट है, देखिए कहीं भी करंट आप चेक करिए, पूरा एकदम फुल करंट से भरे हुए हैं, यानी इनके शरीर में करंट आ रहा है। अब हमको कैसे बचना है, आप इनके पास में चेक कर लीजिए, देखिए काम आ रहा है, यानी इनके शरीर में जो है करंट आ रही है, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, सबके शरीर में करंट है। तो क्या आपने करंट को टच किया तो आपको बिजली लग गई क्या, आप मारे गए क्या, यानी आप मारे भी नहीं गए, आपके शरीर में बिजली भी आया, फिर आप बिजली से क्यों डरे, यानी बिजली से डरने की जरूरत हमको नहीं है, यानी करंट कभी भी नहीं लगेगा, करंट कभी लग ही नहीं सकता है।
अब करंट किस अवस्था में लगेगा, आइए इसको हम लोग समझते हैं। यानी करंट जिस अवस्था में लगता है यानी फेस न्यूट्रल दोनों हम लोग अगर टच करते हैं उस दौरान हमको करंट लग सकता है। यानी फेस हमने टच किया, अर्थिंग आपका जमीन से उठा लिया, आपको करंट लग गया। आप सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं, आपने फेस को टच किया है, आपका कोई शरीर का अंग दीवार से टच है, आपको करंट लग गया। ठीक है, आपने फेस आपके शरीर में ऑलरेडी है, आपने न्यूट्रल को टच कर लिया, आपको करंट लग गया। ठीक है, अब करंट किस तरीके से लगता है आपको मालूम ही होगा, या एक बार टच करके देख लीजिए, टच हुआ है तो आपको करंट लगेगा। तो करंट अगर लगता भी है तो आप मारे नहीं जाएंगे, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, आप बेझिझक काम करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू।